फॉर हीटिंग समथिंग अंटिल इट वर्क्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे अगर कोई पूछे कि परक्यूसिव मेंटेनेंस क्या होता है, तो आप ये डिफिनेशन बोल सकते हो कि परक्यूसिव मेंटेनेंस इज द टेक्निकल टर्म फॉर हीटिंग समथिंग अंटिल इट वर्क्स। ठीक है, अब इसको सेकेंड वेव से भी डिफाइन कर सकते हो। सेकेंड वेव में भी दूसरा तरीका भी है इसको डिफाइन करने का। सेकेंड वेव में आप बोल सकते हो कि परक्यूसिव मेंटेनेंस इज द यूज ऑफ या फिर द यूज ऑफ फिजिकल कंकशन सच एज अ नॉक और अ टैप इन एन अटेम्प्ट टू मेक अ मेल फंक्शनिंग डिवाइस अन फंक्शन डिवाइस और पर्सन वर्क पर्सन पर्सन वर्क। ठीक है, अब इसे दो तरीका से डिफाइन कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोल सकते हो कि परक्यूसिव मेंटेनेंस इज द टेक्निकल टर्म फॉर हीटिंग समथिंग अंटिल इट वर्क्स। या आप सेकेंड वे में कर सकते हो द यूज ऑफ फिजिकल कंकशन सच एज अ नॉक और अ टैप इन एन अटेम्प्ट टू मेक अ मैलफंक्शनिंग डिवाइस और पर्सन वर्क। ये जो आप देख रहे हो जो हल्का सा कटा है वो है पर्सन मतलब आदमी व्यक्ति PERSON पर्सन वर्क। आप दो डिफिनेशन बोल सकते हो या दोनों को अरेंज करके भी बोल सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब डिफिनेशन याद करना एक अलग चीज है लेकिन इसको समझना एक अलग चीज है, क्योंकि समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। डिफिनेशन तो आप कैसे भी करके अरेंज कर सकते हो। ठीक है, डिफिनेशन पे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कैच होनी चाहिए। अब इसको समझते हैं कि हिंदी में एक्चुअली ये कहने की क्या कोशिश कर रहा है क्या। अभी कभी कभी ना कभी नोटिस किए होते हैं कि कोई भी इक्विपमेंट्स होते हैं, यहां तक कि कोई भी लिविंग चीज होते हैं, कोई भी व्यक्ति होते हैं, तो आप देखे होंगे कि कोई भी गार्जियंस होते हैं या कोई भी टीचर होते हैं, अगर सामने वाला बंदा अगर नहीं समझता रहता है, ठीक है, तो थर्ड डिग्री उसको ट्रीटमेंट मिलता है। ठीक है, मतलब उसको पिटाई लगती है। ठीक है, चाहे वो कोई भी क्रिमिनल हो, चाहे वो कोई बच्चा हो, चाहे वो कोई एक्सीडेंट हो, कोई भी चीज हो, अगर वो प्यार से नहीं समझता तो उसको क्या मिलती है, पिटाई लगती है, ट्रीटमेंट मिलती है। ठीक है ना, कि उसको समझ में आ जाए। ठीक है, तो वही हिसाब से अगर कोई इक्विपमेंट्स है सच एज कोई टीवी है, कोई रेडियो है, कोई भी चीज है, मोबाइल्स है या लैपटॉप है, कोई मान लीजिए रिमोट है, कोई भी चीज है, काम नहीं करता रहता है तो हल्का सा गुस्सा हो जाता है, एंग्री हो जाता है अपने लोगों का माइंड। ठीक है, तो उस स्टेज में क्या करते हैं, उस स्थिति में क्या करते हैं, सच एज मेरे पास मान लीजिए रिमोट है, ठीक है, हमने कोई चैनल ऐसे लगाएंगे, ऐसे करके लगाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, ठोकेंगे, अरे स्टार्ट हो जा, स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है, जैसे लगता है सुन ही लेगा। ठीक है, जैसे उसको ऐसे करके पीटते हैं तो क्या होता है, कभी कभी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर हम किसी चीज को ठोक ठाक के स्टार्ट करते हैं ना, तो वो चीज कहलाता है परक्यूसिव मेंटेनेंस। रिमोट क्या है, रिमोट हुआ एक तरीका से, इसे कोई चैनल आप ऐसे करके लगाएंगे, नहीं लगेगा तो उसी से क्या होता है, हल्का सा माइंड एंग्री हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, हमने लोग क्या करते हैं, ऐसे करके ठोकते हैं, तो बाय द वे क्या हो जाता है, इत्तेफाक से स्टार्ट हो जाता है वो चीज। ठीक है, हालांकि वो टीवी रेडियो आजकल में बहुत कम देखने को मिलती है, तो पहले जो होता था और अभी भी कितने जन करते हैं, बहुत जगह होता है यूज, टीवी रेडियो सबको भी अपने लोग ठोकते हैं ऐसे करके, टीवी सबको भी अपने लोग क्या करते हैं, ठोकते हैं, तो होता क्या, वो स्टार्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब है ठोक ठाक के किसी चीज को स्टार्ट करेगा, अगर आप जैसे स्टाइल में समझते हैं जुगाड़ लगाना, क्योंकि मिस्त्री के पास नहीं जाना पड़े, टेक्नीशियंस के पास नहीं जाना पड़े, काम बन जाए, तो अपना भर तो ठोक ठाक के पहले स्टार्ट करते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं होता है तब जाते हैं मिस्त्री के पास। तो कहने का मतलब जुगाड़ लगाना दैट मीन्स ठोक ठाक से स्टार्ट करना, ठोक ठाक करके स्टार्ट कर देना, करके शुरू कर देना, स्टार्ट कर देना, शुरू कर देना, जैसी स्टाइल में हम आपको समझा रहे हैं। तो कहने का मतलब किसी चीज को हम ठोकते ठाकते हैं, ठीक है, उसको हम इस तरीका से क्या बोलते हैं,
परक्यूसिव मेंटेनेंस। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज कंसेप्ट क्लियर मैं करा दूं कि परक्यूसिव मेंटेनेंस में कितने जन कंफ्यूज कर जाते हैं कि अभी जरूरी तो नहीं ना है कि हर चीज को ठोकेंगे तो वो स्टार्ट ही हो जाएगा। रिमोट है ठीक है, अभी एक्चुअली में खराब है तो इसको हम कितना भी ठोकेंगे तो स्टार्ट थोड़ी हो जाएगा टीवी। ऐसे तो ऐसे अगर स्टार्ट होने लगेगा तो कंपनी बंद हो जाएगा ठीक है, मारपीट से बच्चा अगर पढ़ने लगेगा तब तो हो गया, ऐसा तो नहीं। तो क्या होते हैं कि हर वे में ये काम नहीं करता है ठीक है, क्या कोई भी टीचर स्टूडेंट को हल्का सा मार देगा तो वो स्टूडेंट पढ़ ही लेगा ठीक है, या कोई भी बच्चे हैं गार्जियन अगर उस पर प्रेशर देगा तो वो काम कर ही लेगा। तो कहने का मतलब ये कभी कभी हो भी सकता है और कभी नहीं भी हो सकता है। तो एक्चुअली परक्यूसिव मेंटेनेंस का मतलब काम करेगा सामने वाला या नहीं करेगा उस पर डिपेंड नहीं करता है। ये तरीका से एक टेक्निकल टर्म है, सिचुएशन हुआ जब अपने लोग हल्का सा गुस्सा उठ जाते हैं, गुस्सा उठ जाता है अपने लोगों के पास तो हल्का सा अपने लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं क्योंकि वो मशीन जो होते हैं लैपटॉप होते हैं टीवी होते हैं ठीक है, कोई भी इक्विपमेंट्स होते हैं सच एस मोबाइल्स होते हैं रिमोट होते हैं काम नहीं करता रहता है। तो उस सिचुएशन में जब अपने लोग को गुस्सा उठ जाता है हल्का सा जो परेशान हो जाते हैं अपने लोग जो एंग्री हो जाते हैं तो वो सिचुएशन में जो अपने लोग यूज करते हैं चोट मारते हैं उसको बीटिंग करते हैं उस पर हीट जनरेट करते हैं मारते हैं उसको ठोकते हैं तो उस चीज को बोलते हैं परक्यूसिव मेंटेनेंस। वो जो प्रोसेस होता है उस मतलब जो भी टाइम टेबल का उस प्रोसेस के तरीका से बोलते हैं परक्यूसिव मेंटेनेंस। हाँ एक चीज अलग है कि वो सामने वाला काम करेगा या नहीं करेगा वो चीज अलग है। टीचर होते हैं तो टीचर गुस्सा हो जाते हैं तो एक थप्पड़ मार दिए अपने स्टूडेंट को एक छड़ी मार दिए, गार्जियंस होते हैं तो अपने बच्चे को थोड़ा सा मार दिए, पुलिस है वो टॉर्चर करेंगे उसको 6 डिग्री ट्रीटमेंट देगा सामने सामने वाला पर डिपेंड करता है वो काम करेगा या नहीं करेगा। लेकिन वो जो ट्रीटमेंट होता है वो जो टीचर की मार होती है वो जो गार्जियंस की डांट होती है वो जो गार्जियंस का थप्पड़ होता है टीचर का जो छड़ी होते हैं स्टिक होते हैं वो जो जो रिमोट पे अपने लोग प्रहार करते हैं चोट करते हैं हीटिंग करते हैं कोई भी चीज समझ लीजिए डू व्हाट एवर वांट टू डू मैन, तो अपने तरफ से कोई भी एफर्ट अपने लोग डालते हैं कि कोई ना किसी न किसी वजह से सामने वाला मशीन काम करने लगे। तो वो जो गुस्सा होता है ना ठीक है ना, जिस गुस्से की वजह से हम मशीन को स्टार्ट करवाना चाहते हैं ठीक है, कोई भी बच्चे को सुधारना चाहते हैं मशीन को ठीक करना चाहते हैं तो वो गुस्सा को वो एंग्री जो जो गुस्सा होता है जो क्रोध होता है उसको हम एक तरीका से परक्यूसिव मेंटेनेंस बोलता है। तो उस स्थिति में अगर हम कोई मशीन को चालू करते हैं तो वो स्थिति कहलाता है एक तरीका से परक्यूसिव मेंटेनेंस। तो कहने का मतलब है ठोक ठाक करके कोई चीज को क्या करना स्टार्ट करना, उसको हम एक तरीका से क्या बोलते हैं परक्यूसिव मेंटेनेंस। हाँ जैसे रिमोट नहीं काम करता था हमने ठोक ठाक दिया स्टार्ट कर दिया, हमने कौन सा मेंटेनेंस है इसको ठीक किया परक्यूसिव मेंटेनेंस। कोई बच्चा है वो पढ़ लिख नहीं रहा था हमने 2 छड़ी मार दिया 2 थप्पड़ मार दिया बच्चा लाइन पर आ गया, उस बच्चे को हम क्या चीज से ठीक किए परक्यूसिव मेंटेनेंस किए, उस बच्चे को हम कौन सा मेंटेन करवाए कौन सा मेंटेनेंस करवाए परक्यूसिव मेंटेनेंस करवाए। तो ये होता है एक एक मतलब अपराधी था एक क्रिमिनल था वो सही टाइम पर नहीं आ रहा था पुलिस उसको 6 डिग्री ट्रीटमेंट दिया मना पीटा वो अपना क्या किया अपना पूरा जो जो होता है पूरे जितने भी अपराध किए रहते हैं जो कबूल कर लिए तो पुलिस कौन सा मेंटेनेंस अपनाया परक्यूसिव मेंटेनेंस अपनाया, टीवी नहीं काम करता था ठोके चलने लगा परक्यूसिव मेंटेनेंस से चलने लगा। तो ये होता है तो काम करे या नहीं करे वो अलग चीज है लेकिन किया अपने लोग परक्यूसिव मेंटेनेंस ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ ठीक है। और अगर आप को इस वीडियो में जानकारी मिली होगी एजुकेशनल वीडियो लगी होगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ अपने जो भी आपके करीबी दोस्त होंगे उस सबके साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और भी वीडियो मैंने डाली हुई है आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। और किसी भी प्रकार से दिक्कत हो कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, जहां तक होगी मैं आपकी मदद करूंगा ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स बाय धन्यवाद।